हाय देयर। बहुत बार ऐसे होता है जब हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या बनाएं, आज वेज बनाएं या नॉन वेज, एंड देन ओनली वी एंड अप मेकिंग एग करी। और इस एग करी के टेस्ट के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो तो आप ही जानेंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो चलें बनाएं फिर। यहाँ पर जल्दी से मैंने थोड़े से बॉइल्ड एग में हल्दी, लाल मिर्च और काली मिर्च डाल के उसे स्पाइस अप कर लिया है। मैं 9 to 10 एग्स का यूज़ कर रही हूँ। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने एग्स यूज़ कीजिए। एक पैन में थोड़ा सा बटर डालकर हम एग्स को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही जितने में पूरा बटर एग्स पर लग जाए। कैन यू हर्ड दिस क्रैकलिंग साउंड? इट्स रियली सैटिस्फाइंग। एक बोल में मैंने यहाँ 1 कप कर्ड लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। सभी मसालों के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक पैन में हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसी के साथ थोड़ा सा बटर। इसमें जाएगी थोड़ी सी साबुत काले मिर्च, 4 से 5 छोटी इलायची और थोड़ी सी ड्राई रेड चिली। इसमें जाएंगे 2 लार्ज या 3 मीडियम फाइनली चॉप्ड अनियंस। अनियंस की क्वांटिटी आप एग की क्वांटिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अनियंस को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। अगर हमारे अनियंस थोड़े से भी कच्चे रहेंगे तो ग्रेवी में टेक्सचर फॉर्म नहीं होगा। इस स्टेज पर मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा क्रश गार्लिक, थोड़ा सा क्रश जिंजर, जिसे हम नेक्स्ट 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जब ये इक्वली गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम टोमेटोज का पेस्ट। इसे मिक्स करेंगे और लिड से कवर करके लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। चेक करेंगे टोमेटो पेस्ट प्रॉपरली कुक हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मसाला कर्ड जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अनियन की गोल्डन ब्राउन होने से लेकर कर्ड डालने तक का सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। हम जितना मसाला को लो फ्लेम पर कुक करेंगे हमारी करी उतनी ही स्मूथ और फैंटास्टिक बनेगी। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट एंड थोड़ा सा वाटर डालकर हम इसे फिर से कुक करने के लिए रखेंगे। वाओ, जस्ट लुक एट इट, कर्ड ने भी पूरी तरह से ऑयल रिलीज कर दिया है। इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट करके रफली क्रश कर लिया था। मेथी को थोड़ा सा गर्म कीजिए, क्रश कीजिए और किसी भी ग्रेवी में यूज़ कीजिए। अब फाइनली हमारी करी में जाएगा 1/2 कप के करीब पानी एंड बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें मैं डाल रही हूँ एग्स। एग्स को मैं थोड़ा सा स्लिट करके डाल रही हूँ ताकि हमारी जो ग्रेवी के फ्लेवर्स हैं वो एग के अंदर तक जा सकें। फाइनली ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क। बस इसे 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा कुक करेंगे और देखिए हमारी ढाबा स्टाइल मसाला अंडा करी रेडी है। आई अश्योर यू, अगर आप इसे अपने गेस्ट्स के लिए बनाएंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। आपको ये कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स का ईगरली वेट रहता है। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस रेसिपी के सारे इन्ग्रीडियंट्स एंड मेजरमेंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, सो डू चेक देम आउट देयर। इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। ऑलराइट देन, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।